To revive Mahatma Gandhi's ideologies, Bihar Chief Minister Nitish Kumar conducted 7-kilometer Gandhi Smriti Yatra from Chandradahya to Champaran in Bihar on Tuesday morning to mark the 100th anniversary of Mahatma Gandhi's first major satyagraha. Reflecting light upon the event, CM Nitish Kumar said, आज चंद्रहिया से मोतिहारी तक की स्मृति यात्रा आयोजित की गई थी। गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पधारे थे और उन्हें यहां आने के बाद जानकारी मिली थी कि जसौली पट्टी के किसान के साथ जुल्म हुआ है, तो उन्होंने 16 तारीख को जसौली पट्टी जाने का निर्णय लिया और यहां से जसौली पट्टी की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन रास्ते में ही चंद्रहिया पहुंचते ही उनको ये नोटिस जारी किया गया कि आपको चंपारण छोड़ना है और चंद्रहिया से वे वापस मोतिहारी आए थे। और आज के दिन स्मृति यात्रा का आयोजन इसलिए किया गया कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। 18 अक्टूबर को ही गांधी जी की पेशी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में हुई थी, जहां उन्होंने कोर्ट में जो वक्तव्य दिया वो बहुत ही ऐतिहासिक था। उन्होंने कहा कि आपने जो मेरे ऊपर प्रतिबंध लगाया या मुझको यहां से वापस जाने के लिए कहा, हमने उसका उल्लंघन किया और ऐसा करने में आपको जो सजा देनी हो आप दे सकते हैं, लेकिन मैं जो यहां आया हूं चंपारण में किसानों के दुख को देखने आया हूं। यहां जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में जो जानकारी मुझे मिली है उसका मैं खुद अध्ययन करने आया हूं, जांच पड़ताल करने आया हूं। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार विल ऑल्सो अटेंड अ मेमोरी फंक्शन हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष एट गांधी मैदान मोतिहारी। महात्मा गांधी हैड इनॉग्रेटेड द चंपारण सत्याग्रह ऑन 18 अप्रैल 1917।